पाइप, आर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब। जब कल साउंड जनरेट करने के लिए मेल्डी का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो उसमें वेव कौन सी चल रही थी, ट्रांसवर्स वेव, और इसमें कौन सा वेव चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों में क्या अंतर है। सोनोमीटर किसके लिए था, ट्रांसवर्स वेव के लिए, वो स्ट्रिंग में था और ये एयर में है, तो यहाँ पे कौन सा वेव आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आर्गन पाइप दो तरह का है, पहला आप लिखेंगे क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप। अब क्लोज्ड आर्गन पाइप में दोनों इंड नहीं बंद होगा, एक किनारा बंद होगा। इस आर्गन पाइप का मान लो लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, देखो मैंने दो बार पाइप को बनाया है, दो बार क्यों बनाया है अभी बता रहे हैं। इसमें हमें साउंड जनरेट करना है, तो इसमें साउंड जनरेट करने के लिए एक कोई सोर्स ले आया, ट्यूनिंग फार्क, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फार्क। और ये ट्यूनिंग फार्क जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ से वेव अंदर की तरफ आएगी और इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर लौटेगी, तो आने वाली वेव और लौटने वाली वेव मिलेगी, तो मिलने से साउंड जनरेट होगा, स्टेशनरी वेव बनेगा, और स्टेशनरी वेव बनेगा तो साउंड वेव आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ हमेशा नोड बनेगा ऐसे, तो ये नोड हो गया और ये एंटी नोड हो गया। नोड माने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ हम लोग लिखेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है ये नोड वाला, और एंटी नोड मैक्सिमम जहाँ भी, एंटी नोड का मतलब क्या है, मिनिमम की मैक्सिमम, एंटी नोड माने सब कुछ मैक्सिमम हो जाए ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो वेव जनरेट हो रही है वो कौन सा जनरेट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वेव। यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल चित्र बना के दे और पूछे कि इसमें कौन सा वेव है, तो इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। हम लोगों से बड़ा बेसिक पूछता है। अब ये बताओ कि जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल पास पास आ जाएं तो प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, इसी को हम साउंड को प्रेशर वेव बोलते हैं, साउंड वेव का नाम प्रेशर वेव भी है। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा कि एंटी नोड, एंटी नोड किसका, डिस्प्लेसमेंट का कि प्रेशर का, प्रेशर एंटी नोड है, और यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है
वहाँ पे मिनिमम प्रेशर होगा। तो बच्चों ये ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही मतलब है। ये वाला किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। और वाला किसके लिए है? प्रेशर के लिए। समझ आया? तो ये प्रेशर वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है। हम बनाएंगे एक ही डिस्प्लेसमेंट ही अब बनाएंगे, लेकिन अभी आपको ज़रा समझना था ये दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर में। पता चला ऐसे बना दे और आप ना जानते रहो तो सोचोगे कि गलत है, वो गलत नहीं है, वो प्रेशर के लिए सही है। अब देखो नोड और एंटी नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 4 है। इसके बीच का जो गैप है वो लेमडा बाई 4 है। अब बच्चों जब पहली बार ये साउंड आएगा, फर्स्ट टाइम, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम कुछ दिए थे ना कल। पहले तो हम इसे टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। या दूसरा नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, टोन भी कहते हैं। और टोन कहो या फंडामेंटल कहो, एक ही बात है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें और कुछ आपको करना नहीं है, यही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखनी है बस। तो टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बोलो। इसको एफ नॉट अगर लिखा जाए, एफ नॉट, तो बराबर क्या लिखोगे? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। कोई लोग वेवलेंथ बता दो। हाँ, यहाँ पे लेमडा बाई 4 बराबर एल, तो वेवलेंथ कितना हुआ? 4L। तो ये वैल्यू आया वी अपॉन 4L। ये बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, लिखा था कि 10 सेंटीमीटर नहीं, लिखा था कि 50 सेंटीमीटर लेंथ की आर्गन पाइप है। 10 सेंटीमीटर ही लिखा था, 10 सेंटीमीटर लेंथ की आर्गन पाइप है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और क्लोज्ड आर्गन पाइप है। तो बताइए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके लिए, उस फंडामेंटल वेव फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है निकल जाएगा, लेंथ दिया रख दो। अगर ये पूछे कि वेवलेंथ कितनी है तो वो भी आ जाएगा, वेवलेंथ कितनी लिख दोगे? 4L। यही सब आता ही है, छोटे छोटे रिजल्ट आते हैं। इसके लिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लो कि कैसे हो रहा है। बच्चों ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम आपसे मैं पूछ रहा हूँ। पहली बार साउंड आया तो इसे क्या बोलोगे? फर्स्ट रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस बोलोगे। अब फ्रीक्वेंसी आप फर्स्ट रेजोनेंस, इसी का दूसरा नाम है, मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। अब फर्स्ट रेजोनेंस माने F1, F1 आएगा। F1 बराबर क्या होगा? V अपान 4L। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ का दूसरा नाम आ गया। इसी का एक नाम कल और पढ़े थे आप, हाँ, हार्मोनिक, ये भी लिख दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, बच्चों बोलो। F1 बराबर V अपान 4L। अब फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट रेजोनेंस या फंडामेंटल, कोई भी नाम दे तो वैल्यू वी अपान 4L लिखना है। अब अगर मैं ट्यूनिंग फार की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूं, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिया जाए तब चित्र बदल जाएगा। तब देखो ऐसे बनेगा, एट हायर फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या किया,
ये जो फिगर बदल रहा है क्यों बदल रहा है? कुछ तो किया ना मैंने, मैंने क्या किया, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क अपने आप नहीं आता है, पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा था एक कोई फ्रीक्वेंसी आई होगी और उसके बाद फिर से तेज तेज आवाज़ आया, तब कैसा चित्र बना होगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ तो एंटी नोड ही बनेगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड, ये तो कभी बदलेगा नहीं। वहाँ ओपन पे एंटी नोड और क्लोज पे नोड बनना ही है। तो बच्चों अब यहाँ पे तब क्या बन गया, ये भी नोड बन गया और ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई फोर ना, और ये लेंथ लेमडा बाई टू। अब आप लिखोगे 3λ/4 बराबर L, तो वेवलेंथ कितना आया 4L/3, वेवलेंथ चेंज हो गया। और इसे हम लोग कहेंगे टोन के बाद ओवर टोन, अगर लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवर टोन। F1 बोलो बच्चों, V/λ, लेमडा की वैल्यू बताओ, वही वाला 4L/3, तो 3F0 हो जाएगा। देखो इसमें 2 नहीं आया ना, पहले F0 था अभी 3 आ गया, 2 आया ही नहीं, मतलब इवन नंबर नहीं आया। कौन नंबर नहीं आया, इवन, मतलब इसमें 8 हार्मोनिक आने वाले हैं, इवन नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 आया, ये ध्यान देना है। इसी को आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड रेजोनेंस, दूसरी बार साउंड आया तो सेकंड रेजोनेंस। बच्चों F2 बराबर क्या लिखोगे, यही ना 3V/4L, तो 3F1 कर सकते हो और क्या, F1 का 3 टाइम्स कर सकते हो। अच्छा ये सेकेंड रेजोनेंस है, हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक है, हार्मोनिक कौन सा है, पहला है कि दूसरा है? हार्मोनिक का मतलब होता है जो फंडामेंटल वाला फिगर था उसी तरह का, कितना फिगर बना, फिगर कितना रिपीट हुआ, तो उसी तरह का कितना फिगर रिपीट हुआ। तो देखो ना आप, अगर इसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो तो यहाँ थोड़ा दिखे, ऐसे तोड़ो कि दिखाई दी, ये ऐसे ऐसे बना दिया। अब बताओ उसी तरह का 3 चित्र बना कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोनिक नहीं आ रहा, सेकंड, पहले के बाद सीधा आ गया तीसरा, इसका मतलब वी गेट ऑलवेज ऑड हार्मोनिक्स। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड रेजोनेंस तो लिख सकते हो लेकिन सेकंड हार्मोनिक नहीं लिख सकते हो। अब आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और F3 बराबर क्या लिखोगे, 3V/4L, बच्चों क्या लिखोगे, 3F1। तो आप सेकंड रेजोनेंस बोलोगे, फर्स्ट ओवर टोन बोलोगे और ये
थर्ड हार्मोनिक बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक वी बाई फोरियल था, एफ नॉट तब लिखते हैं जब ओवर टोन लिखते हैं, और जब हार्मोनिक और रेजोनेंस लिखते हैं तो एफ नॉट नहीं लिखते, ठीक है। उसी को एफ वन भी लिखा था, एफ नॉट को एफ वन भी लिखा है। देखो उधर, अभी तक नींद में थे क्या? ये क्या लिखा है, हार्मोनिक में एफ वन लिखा है कि नहीं? तो इसका तीन गुना हुआ ना, हार्मोनिक पहला एफ वन है कि एफ नॉट है? एफ नॉट कहाँ लिखा है, फंडामेंटल में लिखा है ना। वैल्यू भले है इक्वल, लेकिन प्रेजेंटेशन तो अलग अलग है। तो एफ नॉट से ओवरटोन बनेगा और इससे हार्मोनिक और रेजोनेंस बनेंगे। समझ गए कि नहीं, पहले ये बताओ। अब चलो समझ गए तो अगला बताओ। बच्चों लास्ट में आपको अब ये बताने वाली बात बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ ओवर टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ ओवर टोन। तो एनथ ओवर टोन लिखना है एफ एन। तो जब पहला ओवर टोन है तो वहाँ पे देखो थ्री लिखा हुआ है, अभी एनथ पूछा है, तो टू एन प्लस वन वी अपान फोर एल। जब दूसरा लिखोगे तो पाँच आएगा, आठ ही तो आना है, थ्री के बाद फाइव सेवन ऐसे आएगा। अब आप इसके बाद लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ हार्मोनिक्स या एनथ रेजोनेंस, एनथ रेजोनेंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ रेजोनेंस एफ एन, फिर बोलो। अब रेजोनेंस में देखो एफ टू है ना, तो थ्री है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू एन माइनस वन वी अपान फोर एल। चेक करो, एक बार चेक कर लो। अगर यहाँ टू लिखोगे तो यहाँ देखो थ्री आ रहा है कि नहीं, और जब थ्री लिखोगे तो फाइव आ रहा है। अब मैं हार्मोनिक जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। बच्चों आपको समझ के बोलना है। अब मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ हार्मोनिक, एफ एन बोलो, एन इंटू वी अपान फोर एल, इसमें एन होगा, एन का मान क्या होगा, वन थ्री फाइव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी गेट ऑल ऑड हार्मोनिक्स, जैसे जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ऐसे सवाल लिखा रहेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 50, 100, 150, तो बताओ ये आर्गन पाइप कौन सा है। 50 मिला, 100 मिला और 150 मिला, तो ये क्लोज है कि नहीं ये बताओ। 50 है, 100 है और 150 है। अब इसका रेशियो आया 1:3, ये क्लोज नहीं है। अगर 1 के बाद 3 आता तब क्लोज होता, तो ये क्लोज आर्गन पाइप नहीं है। अगर मान लो पेपर में ये बोलता है कि 50 मिला, 150 मिला और 250 मिला, तब रेशियो निकालो 1:3:5, तब ये क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यही एक सवाल आता है, क्लोज है कि आर्गन ओपन है, पहचानो, पहचान लोगे। चलो अब लिखो ओपन आर्गन पाइप।
इसको देख लो, इसको भी देख लो, तो एकदम सही से चीज़ों को समझो, बैठे हो, टाइम जो बीत रहा है उसका आउटपुट आना चाहिए। जब आप सवाल वाल लगाते रहेंगे, सही समझते रहेंगे, तभी मतलब है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको वाइब्रेट किया ट्यूनिंग फॉर्क, अब इसमें कैसे वेव जनरेट होगा। ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोट ये बनेगा, और अगर प्रेशर वाला है तो ये बनेगा। ये बनेगा यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, ऐसे यहाँ पे नोड है, एंटी नोड है, नोड है। इसका लेंथ L है। बच्चों यहाँ पे जो आ रही है वो फंडा में, पहले वेवलेंथ बता दो, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई टू होगा, तो लैम्डा बाई टू बराबर एल है, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा बराबर टू एल। अब आप लिखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट बराबर वी अपान लेमडा, तो वी अपान कितना हुआ, टू एल। इसी का नाम दूसरा पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। एफ वन वी अपान टू एल। इसी का एक नाम और पड़ेगा हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो जब फंडामेंटल में ना जो भी शेप बनेगा उसी को पहला हार्मोनिक बोलना है, जैसा भी शेप बने, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। एफ वन बराबर वी अपान टू एल। अब इसके आगे वाला ना अपने से आप बना लो, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फिर दूसरा वाला आ जाएगा, फिर लास्ट में एनथ लिखना है, तब एक सवाल लिखना है, तब समस्या क्या है वो बताएंगे। बच्चों दूसरा अपने से बनाओ अपने अपने कॉपी में। देखो जब ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे तो शेप कैसा बनेगा। यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखो, ऐसे बनेगा क्या, जरा देखो मिलाओ, ऐसे बना। अब उसके बाद तो यही रिपीट होगा। अब जब ये रिपीट होगा तो देखो यहाँ पे हार्मोनिक कौन सा मिला, तीसरा कि दूसरा, जो पहले शेप था उसी तरह से दो हो गए ना, तो उसमें तो थर्ड हार्मोनिक आया था, इसमें सेकंड आया, मतलब वन भी आया टू भी आया, मतलब आठ भी आया और इवन भी आया, इसमें सारे हार्मोनिक्स आएंगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे फंडामेंटल की जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये ट्यूनिंग फार्क यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये शेप बना, और बच्चों ये भी लैम्डा बाई टू होगा,
और ये भी लेमडा बाई टू होगा और ये लेंथ एल है। अब यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन एफ वन बराबर वेवलेंथ, आप लोग यहाँ पे बताओ पहले तो 2L आया था और अभी क्या होगा, पहले जैसे क्लोज में कितना आया था 4L आया था, तो बताओ क्लोज आर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ ज़्यादा है कि ओपन आर्गन पाइप में, समझ के बताओ। मैंने क्या बोला सुने, क्लोज आर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ ओपन आर्गन पाइप में, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ है किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, क्लोज वाले में 4L था और इस वाले में 2L है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता वो, ये सब पूछता, वो जानता है कि सब रट के आए होंगे, बीच का पूछता है कि कहाँ वेवलेंथ क्या है कहाँ क्या है। तो एफ वन बराबर आप लिखोगे वी अपान लेमडा, तो वी अपान लेमडा माने 2L अपान 2 हो गया ना, तो बच्चों 2V अपान 2L हो गया, तो इसे क्या लिखोगे 2F0, यही तो होगा, लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ कम हो गया, आधा हो गया। तो बताओ क्लोज आर्गन पाइप में जब सेकंड हार्मोनिक का सेकंड रेजोनेंस आ जाओ तो वेवलेंथ उसमें बढ़ गया था कि घट गया था, वेवलेंथ उतना ही था, वेवलेंथ ही तो बदल रहा है यहाँ हर बार, क्या बदल रहा है वेवलेंथ, साउंड की स्पीड तो बदलेगी नहीं। तो मैंने बोला कि क्लोज्ड आर्गन पाइप में जब दूसरा वाला रेजोनेंस आया तो वेवलेंथ क्या था, कितना घट गया, 66%, लगभग 66.66%, 4L/3 हो गया ना, 33% हो गया ना, तो कितना घट गया, लगभग 66.66%, और ओपन आर्गन पाइप में कितना घट गया, 50%। तो किस में ज़्यादा घटा, क्लोज, किसमें वेवलेंथ ज़्यादा था, क्लोज, ज़्यादा घटा, क्लोज, समझ गए, कितना घटा कितना घटा, इधर उधर ये सब समझ में लेना, यही सब आता है पेपर में जो अभी पढ़ रहा था, और वही जब आप नहीं पढ़े रहते तो नहीं कर पाते हैं, नहीं दिमाग में आता, तो थोड़ा थ्योरेटिकल सोचते रहो कि क्या हो रहा है। तो बच्चों फर्स्ट ओवरटोन तो हो गया, अब फिर बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड रेजोनेंस, F2 बराबर 2F1, 2V/2L लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, इसमें तो सारे हार्मोनिक्स हैं, सेकेंड हार्मोनिक F2 बराबर 2F1, अब मैं लिखूंगा ओपन आर्गन पाइप में nth ओवरटोन, nth रेजोनेंस, nth हार्मोनिक, और तब आप एक सवाल लगाएंगे, हो गया, इसमें यही सब पॉइंट्स हैं, यही सब हमें आना चाहिए, और छोटा छोटा पॉइंट है।
बच्चों यहाँ लिखा है फ्रिक्वेंसी ऑफ एनथ ओवर टोन, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ एनथ रेजोनेंस एन से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लिखोगे फ्रिक्वेंसी ऑफ एनथ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ हार्मोनिक, एफ एन बराबर एन इंटू वी अपान टू एल। तो देखो ये दोनों पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, अब इस पर दो सवाल लगा लीजिए बस, तब फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है वो उसको डिस्कस कर लें। एक क्वेश्चन नोट करना है इसे लिखने के बाद, जरा इसको फैन चला दो, ये वाली फैन। बच्चों इधर क्वेश्चन को देखो, दो सवाल मैं देना चाह रहा था और मैंने दो सवाल को एक सवाल में बदल दिया है, दोनों को मिला दिया है। अब क्वेश्चन को देख के लगाना है सबको। ये वाला आर्गन पाइप क्लोज है और इसमें मैंने जो गैस रखा है वो हीलियम है इसमें, और ये वाला ओपन आर्गन पाइप है, इसमें जो गैस रखा हुआ है वो ऑक्सीजन है, इसमें हीलियम भरा उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ। यहाँ पे मैंने एक ट्यूनिंग फार्क को वाइब्रेट किया है और ये ट्यूनिंग फार्क को वाइब्रेट किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, बस वाइब्रेट किया है, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे। अभी बात सुनो, इसमें लिखा है कि अगर फिफ्थ ओवर टोन क्लोज्ड आर्गन पाइप का और थर्ड ओवर टोन ओपन आर्गन पाइप का इक्वल है तो दोनों के लेंथ में रेशियो क्या है। अब देखो ये दो सवाल आता है, दोनों पेपर में आपको मिलेगा। मैंने इसको लिखा है लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप और यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप। स्टेटमेंट इधर लिख रहा हूँ, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवर टोन ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप पाइप इज इक्वल टू फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप देन फाइंड लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप अपॉन क्लोज आर्गन पाइप, ये रेशियो पूछा। इसको जब लिख लेना तब लिखना रेजोनेंस ट्यूब, सवाल लगा लो तब इसका एक आखिरी लाइन है रेजोनेंस ट्यूब, फिर इधर उधर की बात, फिर काम खत्म।
इतना 4x3, ठीक है ठीक है, हाँ 4x3 आ रहा है मे बी। बच्चों लोग अब ज़रा सुनो, देखो मैं लिखने चल रहा हूँ, अब सुनो लिखना मत। फिफ्थ ओपन बराबर फोर्थ क्लोज, ये लिखा है, क्या दिया था देखो पढ़ो, सही लिखा है ना, फिफ्थ ओवर टोन ओपन का और फोर्थ ओवर टोन क्लोज का। अब आगे सुनते रहो, अभी लिखना मत। ओपन वाले में क्या लिखोगे, 5+1, इसमें एक प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी v1 अपॉन 2 लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप, सही है, यहाँ 2n माइनस वन था कि प्लस वन, प्लस वन था, प्लस वन v2 अपॉन 4 लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप। पहले तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, साउंड की स्पीड अलग अलग होगी क्योंकि दोनों गैस अलग अलग है, पहले एयर था दोनों में, पेपर में यही बदलेगा, आप पढ़ के जाएंगे बदलेगा यही, वो गैस का नाम बदल देगा, कुछ बदल देगा और आपको एकदम बोल्ड कर देगा सीधे सीधे। तो जो नॉर्मल पढ़े रहते हैं, देखो कहाँ सेलेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल पढ़े रहते हैं कोई चेंज नहीं किए रहते, वो वापस फिर लौटाते हैं, 4-6 नंबर 4-6 क्वेश्चन कमी होता है उनका। आपका सवाल पेपर में जो सिलेक्शन वाले होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, वो बदल देगा, कुछ बदल देगा थोड़ा सा, और तब चेक करेगा कि देखे ये पढ़े लिखे हैं कि ऐसे भगे आ रहे हैं। तो बच्चों इसलिए हर लाइन में क्या लिखा है उसे ज़रूर देखना चाहिए। हर बार वी 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 लिख रहे थे तो वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ साउंड था, लेकिन उसमें क्या था, एयर हर बार था, इस बार मैंने मीडियम बदल दिया, तो मीडियम बदल दिया तो बात बदल गई। चलिए अब आगे देखते हैं, 6/2 येलो। अब V1 बराबर क्या होता है, साउंड की स्पीड होती है गामा RT अपान m, गामा RT अपान m, टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम टेम्परेचर को सेम मानेंगे, गैस भी ना दिया होता तो हम मीडियम को भी सेम मानते, तब V से भी काट देते, तो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं तो हम क्या मानेंगे, इक्वल टेम्परेचर, जो दिया है वो डिफरेंट है बाकी सब सेम है। ये M1 हो गया, गामा 1 हो गया, 9 गामा 2 RT अपान M2 अपान 4 लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप, सही है। अब R और T तो भाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, और बच्चा लोग अब देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, तो 3 अपान लेंथ ऑफ ओपन, बताओ मोनो एटॉमिक का गामा क्या होगा, बताओ ओपन वाले में कौन सा है, हीलियम की ऑक्सीजन, ओपन ओपन उल्टा मैंने लिख दिया ना, ओपन पहले लिख दिया है क्लोज बाद में लिख दिया है, ओपन वाले में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का गामा पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स, गामा का मान, गामा का मान कैसे निकालते हैं, 1+2f यही है ना, तो अगर मोनोएटॉमिक है तो उसका गामा होता 7/5, नहीं मोनोएटॉमिक है तो 5/3, और डायटॉमिक है तो 7/5, तो ये डायटॉमिक है ना तो 7/5, मोलर मास ऑक्सीजन 32, AMU कट जाएगा इधर उधर से, बराबर 9/4 मोनोएटॉमिक 5/3, और मोलर मास हाइड्रोजन था हीलियम 4, और यहाँ चला गया लेंथ ऑफ क्लोज। अब लगा लेना जो आएगा लिख लेना, ये आंसर होगा, सही है। अब यहाँ से आ जाएगा क्या पूछा था, ओपन अपान क्लोज की क्लोज अपान ओपन,